सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गत देर शाम चंडीगढ़ के पीजीआई परिसर में स्थित रविदास मंदिर में उनके सम्मान के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सहकारिता मंत्री ने रविदास मंदिर में लाइब्रेरी व कमरों के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यदि हम शिक्षित होंगे तो हम संगठित हो सकेंगे और यदि हम संगठित होंगे तो हम संघर्ष भी कर सकेंगे और इसी संघर्ष के बल पर हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि यह उन्हीं की देन है कि आज हम सब यहाँ एक साथ इस प्रकार से बैठे हुए हैं। मंदिर में और आज संविधान दिवस के पवित्र दिन पर इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर आर पी सिंह चेयरमैन रविदास सभा, श्री प्रेमचंद प्रधान जी, सभी रविदास सभा से संबंधित सभी पदाधिकारी व कार्यकर्तागण और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी गण, आज सबसे पहले तो मेरे आने पर जो आपने मेरा फूल माला और जो पगड़ी बनाकर जो मान सम्मान किया उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज संविधान दिवस के भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज सरकार ने एक स्पेशल सेशन संविधान दिवस के रूप में आज एक स्पेशल सेशन सरकार ने बुलाया था। उस संविधान को चर्चा के लिए उन्होंने 14 अप्रैल तक सभी स्कूलों में, कॉलेजों में, बाहर जो अपने वकीलों की बात है, इनमें एक चर्चा के लिए कि इस पर चर्चा हो, जो हमारा जो संविधान है, जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया हमारे को, उस पर चर्चा हो, लोगों को उसकी जानकारी हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारी सरकार का भी, क्योंकि जब हमें अपने अधिकारों का पता ही नहीं होगा तो हम अधिकार मांग नहीं सकते। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसी की बदौलत देखो मैं यहाँ आपके सामने खड़ा होकर भाषण दे रहा हूँ। तो हम सबसे पहले तो बाबा साहब को नमन करते हैं कि उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे। तो हम सबको मिलकर के अपने बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा दें, एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी साथ साथ लोगों को समझाना चाहिए भी अच्छे संस्कार के साथ रहें, गलत जो हमारी कई लतें हैं उनसे दूर रहें, नशे की लत है और कोई लत है जो पढ़ाई नहीं करना, आवारागर्दी करना, ये सब चीजें भी हमें उसके साथ साथ चलानी पड़ेगी, तभी जाके एक अच्छा समाज बन सकता है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आज आप सब लोगों को दोबारा से संविधान दिवस की बधाई देता हूँ। और मेरे से कुछ बात कर रहे थे आपके पदाधिकारी, तो मैं 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। बोलो श्री रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निवे श्री रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निवे रविदास या धर्म की जय। और आगे भी जो भी समाज के लिए करना पड़ेगा वो भी मैं पूरे हरियाणा में जाता हूँ और सब जगह करता ही हूँ। लाइब्रेरी और जो कमरे के लिए जो उसी के लिए दिए मैंने। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।